निशा देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ वंदना। कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन की प्रक्रिया जो है वो पटना के गार्डिनर अस्पताल में चल रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से लोग जो है वो यहाँ पे टीका लेने के लिए पहुँच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कराने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे शुरू है। लोग आधार कार्ड अपना लेकर आ रहे हैं और बारी बारी से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार करवा रहे हैं ताकि कोरोना जैसे संक्रमण से जो है वो बच पाएं और जो कम से कम जो है कोरोना जो है इफेक्ट कर पाए। ऐसे में लोग जो है वो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से जो है वो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है क्योंकि सभी लोग को कोरोना का टीका लेना है। ऐसे में जो सीरम कंपनी द्वारा जो कोरोना वैक्सीन बनाए गए हैं वो काफ़ी कारगर है, सभी लोग जो हैं वो टीका ले रहे हैं। हम आपको छोड़े जाते हैं और वीडियो के साथ में और कुछ लोगों के बयानों के साथ। हम जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर हैं। क्या नाम है? आई बी दास। 58+। ये सेकेंड बार है। क्या कुछ इसके बीच कुछ ऐसा सिम्टम पता चला था जब पहली बार वैक्सीन लिए थे तो कुछ नहीं? ऐसा तो जस्ट जरा सा हल्का सा लगा इंजेक्शन देने का टाइम, बाद में तो और कुछ पता नहीं चला, कोई इफेक्ट नहीं है। क्या नाम है? हमारे नाम एलिस मेरांडी, जीएसटी डिपार्टमेंट से हैं। पहली बार वैक्सीन ले रही हैं? नहीं नहीं, ये हमारी सेकंड डोज है जी। क्या कुछ आपको इस बीच आपको वैक्सीन लेने के बाद में क्या कुछ सिम्टम ऐसा पता चला? नहीं, हमारे साथ तो पहले डोज लेने के बाद वैसे कुछ हुआ नहीं, हल्की सी बस पेन थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप लग रही है कोरोना से लड़ रही हैं? बिल्कुल, जरूर।